मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? हाँ जी, तो सभी लोग पढ़ रहे हैं और सबसे अच्छी बात है कि सभी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी गर्ल्स हैं और सबसे पहले मैं रिया का नाम लेता हूँ हमेशा, और रिया अच्छी तरीके से पढ़ रही है और अभी भी प्रियंका भी अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू कर दी। बहुत दिन से वो बाहर आ रही थी, चलिए कोई बात नहीं। और अभी आप लोग अपने घर पे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा कुछ सोच रहे हैं COVID-19 के बारे में। COVID-19 तो हमेशा रहेगा, वो ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया। जैसे हमारे पास टाइफाइड, निमोनिया, ये सब सारा चीज़ रहता था, उसी तरीके से आज ये भी हमारा एक बीमारी हो गया है कि बस इसी के साथ जीना है। मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, हाथ को बार बार धोना है, ठीक है। बट इसके साथ करते करते हम लोग पढ़ाई भी करना है, क्योंकि पढ़ाई तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन तो होगा और हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के कुछ कमाना भी है, ठीक है। तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग कुछ आगे कुछ सोचते हैं, कुछ पढ़ते हैं। तो मैं सिर्फ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। जो कुछ क्वेश्चंस आप लोग से नहीं बन रहा है, मैं उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। वो आप देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि साइन थीटा इक्वल 3/5, ठीक है, और आपको इवेल्युएट करना ही था। तो पहले हमारे पास साइन थीटा ने P/H पता है जी, P/H, और P/H हमें निकालना क्या है, B निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि हमें हमारे पास सेट चाहिए, टाइम चाहिए, साइन चाहिए। तो B के लिए क्या होता है जी, रूट अंडर H² - P² H5 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 525 और -3 कितना जो है 16 कितना जो है 4, यानी एच हमारे पास 4 हो गया। अब हमारे पास क्या चाहिए, सेक चाहिए। सेक थीटा क्या होता है जी, H/B। एच हमारे पास कितना है जी, 5। एच कितना है, 5, और बी कितना है, 4। इसका चाहिए टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, P/B। तो पी हमारे पास कितना है, 3, ये हम लोगों ने 4 राइट निकाला, ठीक है। ये चाहिए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, sec थीटा / tan थीटा - sin थीटा। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो sec थीटा का वैल्यू कितना होगा, sec थीटा का वैल्यू 5/4, और नीचे हमारे पास tan थीटा है तो 3/4, और -sin थीटा का वैल्यू तो आपके पास पहले से गिवन है 3/5। बस इसको सॉल्यूशन करेंगे, बहुत इजीली तरीके से बन जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, 5/4 / इन दोनों कैंसिल कर लेते हैं ना, 5 + 20 15 4 + 12 5/4 / कितना जी, 12 / 3 मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे राइट कर दूं कि 5/4 20/3 4 × 5 = 25 / 3 ये हमारे पास क्या हो गया आंसर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखते हैं, देख लीजिए, आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चलते देखिए सेकंड क्वेश्चन में कुछ और है, इसको अरेज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या है ना, 3x = cosec एंड 3/x = cot θ। आपको फाइंड क्या करना है जी, ये फाइंड करना है, हमारे पास फाइंड क्या करना है, 3 × x² - 1/x² फाइंड करना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें पहले स्क्वायर करूँ, क्योंकि मेरे को स्क्वायर चाहिए, अब ये स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर चाहिए तो हमारे पास स्क्वायर होना भी चाहिए ना, स्क्वायर तो आना चाहिए। तो कैसे आएगा, इस तरह हम करते हैं,
थ्री एक्स का होल स्क्वायर इक्वल कॉसिन स्क्वायर थीटा, और एंड यहाँ पे भी कर लेते हैं थ्री बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों साइड स्क्वायर लिया है, दोनों साइड स्क्वायर लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोनों से स्क्वायर लेंगे तो कट ही जाएगा, है ना, तो ये हो गया। अब इसके बाद इसमें करते हैं थ्री जो नाइन हो जाएगा, नाइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। अब हमें एक्स स्क्वायर चाहिए ना, एक्स स्क्वायर चाहिए तो नाइन इधर चल जाएगा, वाई नाइन एंड इधर हो जाएगा आपका थ्री थ्री जो नाइन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल कॉट स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए जी, वन बाई एक्स स्क्वायर चाहिए, तो क्या हो जाएगा वन बाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर सॉरी वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा बाई नाइन, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है जिसका वैल्यू फाइंड करना है, वो हमारे पास है थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो थ्री इंटू देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, कॉसिक कॉसिक स्क्वायर थीटा बाई नाइन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई नाइन, तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं नाइन इंटू यहाँ पे थ्री 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 जो नाइन, तो यहाँ पे कितना हो गया और ये कितना होता है जी कॉसिक स्क्वायर थीटा, हम लोग जानते हैं वी नो दैट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल वन होता है, तो यहाँ पे हम लोग वन कर देंगे वन बाई थ्री इज द आंसर, ठीक है जी। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया हूँ, बस ये हमारे पास गिवन था, ये गिवन था, गिवन को मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, हम भी दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, हमारे पास एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया, वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया, मैंने क्या किया यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का और यहाँ पे वन बाई एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ गया जी। सेकंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड नंबर, इसको पहले रेज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में सिक्स एक्स इक्वल सेक थीटा एंड सिक्स बाई एक्स इक्वल टेन थीटा, ठीक है जी। यहाँ भी हमारे पास स्क्वायर चाहिए तो यहाँ भी सेम चीज़ें करेंगे, पे सेम चीज़ करेंगे, तो आप लोग खुद इसको कर लीजिएगा, ठीक है, मैं थ्री नंबर क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, थ्री नंबर क्वेश्चन तो लगभग सेम है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल स्क्वायर कर लेंगे आप, जैसे मैंने बताया वैसे आप कर लीजिएगा तो बन जाएगा जी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर पे, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर है रूट थ्री साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, और आपको फाइंड ये करना है, ये इतने की वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले साइन को आप इधर भेज दीजिए, यानी रूट थ्री इक्वल कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और हम लोग जानते हैं कि रूट थ्री इक्वल कॉस थीटा साइन थीटा जो होता है कॉस बाई साइन थीटा वो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है जी, और नीचे वाला कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है वी बाई पी, हमारे पास एच चाहिए, एच निकाल लीजिए रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा रूट अंडर पी वन है वन स्क्वायर प्लस रूट थ्री स्क्वायर, तो वन प्लस थ्री यानी यहाँ पे कितना रूट फोर यानी कितना टू, ठीक है जी, ठीक है। हमारे पास चाहिए क्या, साइन थीटा चाहिए ना,
साइन थीटा होगा पी वाई एच, पी हमारे पास कितना 1/2, फिर है आपका टैन थीटा, टैन का पी वाई बी, पी वाई बी, तो पी वाई बी पी वाई 1/√3, और क्या चाहिए जी, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा तो हमारे पास है, कॉस थीटा भी चाहिए, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है बी बाई एच, तो बी है कितना √3, और ये एच है 1, तो एच है 2, एच कितना है 2 है, ठीक है। तो अब हम लोग को करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, साइन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू 1+cot थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी साइन थीटा वाले यहाँ से 1/2, टेन थीटा 1/√3, 1+cot थीटा, कॉट थीटा के वैल्यू पहले हम लोग निकाला था √3/1, मैं √3, ठीक है। अब नीचे आते हैं, साइन थीटा 1/2 प्लस कॉस थीटा √3/2, ठीक है जी। तो पहले इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, 1/2 × 1/√3 और प्लस इससे इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा जी 1, है ना, और नीचे हमारे पास रहेगा 1/2 प्लस √3/2, ठीक है जी। चलिए ऊपर एक सम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 लगा देते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए इसको हम कर देते हैं 2√3 आ जाएगा ये, और यहाँ से आ जाएगा आपका √3 + 2 + 2√3, और नीचे हो जाएगा 2 एल सम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 1+√3 हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2√3 √3 हो गया, 3√3 + 2/√3 इंटू हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1+√3। अब आप चाहें तो क्रॉस नहीं, आप चाहें तो इतना इतना इससे मल्टीप्लिकेशन कर लें और इसको इससे मल्टीप्लिकेशन कर लें, ठीक है। तो 2 से करेंगे तो 3 × 2 = 6√3 और प्लस 2 × 4 वाई से इसको करेंगे तो क्या आएगा जी 2√3 और प्लस इससे करेंगे तो 3 × 2 = 6, ठीक है। वैसे कुछ तो कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है जी, 2 कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा 3√3 + 2, और नीचे यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, 2√3 + 3, ये वाली कैंसिल, है ना, बस इतना ही छोड़ देंगे 3√3 + 2 और नीचे √3 + 3, ये आंसर शो करना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं था, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा अच्छी तरीके से और भी अच्छी तरीके से कीजिएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे चलते हैं। चलिए 5 नंबर कह रहे 4 tan²θ - 4 sec²θ, इसका वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो आप देखिए कर सकते हैं, बहुत इजी है, 4 कॉमन ले सकते हैं आप, बस ये tan²θ - sec²θ, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, sec²θ - tan²θ = 1। अगर यहाँ से हम करें तो यहाँ पे हमें सिर्फ माइनस कॉमन लेने की जरूरत पड़ेगी, तो माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा sec²θ - tan²θ, और इसका 1 होता है -4 × 1, यहाँ पे -4। आप इस तरीके से बना सकते थे, आपको दूसरे तरीके से बता देते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं कि सबको साइन कॉस में चेंज कर लें, है ना, 4
टेन स्क्वायर थीटा माइनस फोर सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम फोर कॉमन पहले ले लेते हैं, बचा गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो फोर और यहाँ टेन को हम चेंज कर दें साइन बाई कॉस, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा फोर, तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, फोर है कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है जी। हमारे पास क्या चाहिए, ये अगर होता, ये अगर ऐसा होता वन माइनस साइन स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेते हैं ना, माइनस फोर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या होगा कि माइनस फोर और ये वाला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया तो माइनस फोर आंसर, तो जैसे आपकी मर्जी हो वैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इतना सा था क्वेश्चन, ज्यादा था भी नहीं, आप लोग बनाइए और भी अच्छे तरीके से, आप इसको बना लीजिए पूरा सॉल्व कर लीजिए, मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, दो नंबर सॉरी थ्री नंबर नहीं सॉल्व किया ना, वो आप कर लीजिएगा खुद से, ठीक है जी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे फिर कुछ और क्वेश्चन के साथ में आएंगे, कुछ ट्रायंगल के क्वेश्चन और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, कुछ पॉलीनोमियल के क्वेश्चन, कुछ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को भी और आगे सॉल्व करता रहूँगा, आर एस अग्रवाल से भी और अदर अदर बुक से भी आपको क्वेश्चन देता रहूँगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।